अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब कुछ चलता है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हमने अपने लास्ट टॉपिक में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था और सीखा था कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इस सेंटेंस को या इस टेंस को हम कैसे अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। An action with will be going on in future time is known as future continuous tense। जी, तो ऐसा काम जो कि मुस्तकबिल में हम कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसके हम फॉर्मूलास की तरफ। सब्जेक्ट प्लस विल और यू कैन ऑल्सो यू शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लाइक दे विल बी watching TV, like you will be reading book, ठीक है। ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हम फार्मूला देखते हैं दैट सब्जेक्ट प्लस विल और यू कैन ऑल्सो यू शैल प्लस जी। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। For example, they will not be eating food you will not be reading book, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो हमने जस्ट ये काम करना है कि विल और शैल को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखें, फॉर एग्जाम्पल will they be watching TV, ठीक है। will they be watching TV question mark, okay, or will you be washing clothes। तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने का तरीका, ठीक है। एन एक्शन विच विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर टाइम नोन एज अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है? तो तब तक के लिए देखते रहिए, सब कुछ चलता है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।